वेलकम बैक गाइस ऑन माय चैनल। एंड अभी रात का टाइम हो रहा है और प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैं अमेरिका से आया यहाँ पे और अजय गाले बेसिकली आया अमेरिका से यहाँ से यहाँ पे एंड उनकी मम्मी की अस्थियाँ रखने, लेकिन गोल्डन पाथ वालों के साथ उनका मिलना हो गया वहाँ पे और गोल्डन पद वालों ने उनको यहाँ अजय गाले को इधर लेके आया। क्या है अभी हमें इनके मिशंस करने पड़ेंगे और मैं मैप चेक कर लेता हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था पिछले वाले वीडियो में कि मैप अभी पूरा वाइटिश है अभी, क्योंकि हमें बेल टावर्स ओपन करने पड़ेंगे और ये आउटपोस्ट भी जीतने पड़ेंगे। बेसिकली बेल टावर ओपन कर लेंगे तो हम हमें सब रास्ता दिख जाएगा। ये जो दो मिशंस दिख रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग जाते हैं पहले ये वाले मिशंस पे। हाँ भैया जाए अंदर। ओके गिव हिम सम मॉर्फिन एंड टर्न ऑफ दैट फकिंग रेडियो। व्हाट हैपेंड टू हिम? ही फेल। पेगन फ्लड्स द एयरवेज एंड वी हैव टू एंजॉय हिज बुलशिट। Enough is enough. I told him to climb up the old bell tower, take over the transmitters, hijack the broadcast locally. Except... I can do it. Way to step up, brother. There's nobody guarding it, but it's a tricky climb. Promise me you won't fall. I promise. I won't. बेसिकली क्या है गाइस, यहाँ पे हमें जाना है रिच द बेल टावर। मिशन दिया है वहाँ पे, देख रहे हो आप मार्क कर रहे हैं और मैप में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक मार्क दिया है, यहाँ पे बेल टावर है। ओके गाइस नाउ सी, यू कैन सी यहाँ पे सारे बेल टावर्स अभी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी जो मिशन था ये बेल टावर का मिशन है। हमें एक चीज़ है, काइंड ऑफ प्रोमो काइंड ऑफ हमें मिशंस मिलेगा सारे फर्स्ट, बाद में कोई ऐसा मिशन नहीं है कि बेल टावर के लिए अलग से मिशन मिलेगा। हमें जाके सारे बेल टावर को ओपन करना है। ओके ये रास्ता मुझे पता है, आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो रास्ता, तो आपको रास्ता दिखेगा जीपीएस की तरह। ओके मैं मार्क नहीं करता, मुझे पता है कहाँ पे ये। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो बेल टावर्स है ये सारे पेगन के अंडर में हैं ये सारे बेल टावर्स। और पेगन मीन यहाँ पे अपने प्रोपागेंडा करते हैं, लेकिन गोल्डन पाथ वालों को अपना प्रोपागेंडा करना है अपने किराट में। पेगन तो वैसे भी बाहर वाला है, यहाँ पे आके बैठा हुआ है। बेल टावर को हाईजैक करने के लिए बहुत सारे गोल्डन पाथ के आर्मी जाते हैं, लेकिन कोई भी लौट के वापस नहीं आता। कोई मर जाता है, किसी को अटैक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे रेडियो टावर के ऊपर भी लॉयल आर्मी रहते हैं। इसलिए हमें जाना है, हमें बेल टावर को हाईजैक करना है। और अजय आया है चेक करने की रात को फिर से गोल्डन पाथ वालों के हवाले करने। वी हैव टू डू इट गाइस, लेट्स गो। मुझे मिल गया ग्रैपल हुक। ये जो बंदा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये भी कोशिश करने ही गया था ऊपर उठने के लिए, लेकिन ये गिर के मर गया इधर। क्या ये थोड़ा सा रिस्की है? ये थोड़ा सा इजी है इस यहाँ पे जाना, लेकिन इसके बाद रिस्की है सारे बेल टावर्स। तो मैं तो वैसे ये ऐसे बेल टावर को कंप्लीट नहीं करूँगा। मेरे पास दूसरा तरीका है बेल टावर्स को कंप्लीट करने के लिए। Open the door. I'm out.
यहाँ पे आर्मी रहते हैं। चलो मर गए। ये सारे पोस्टर है, इनको हटाना है। मुझे बंदूक चेंज कर लेना चाहिए था। आई डोंट लाइक दिस गन। गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे उठना बेल टावर में, कोई भी बेल टावर में चढ़ना उतना आसान नहीं है। ये तो फिर भी इजी है क्योंकि फर्स्ट बेल टावर है। इसके बाद वाले जितने भी बेल टावर से सारे बहुत ही खतरनाक है, उतना उनमें चढ़ना बहुत ही मुश्किल है। दूसरा बेल टावर हमें लिबरेट करना है। ये पहला बेल टावर है। ये बेसिकली गाइस मैप ओपन हो रहा है सारे एक एक करके। बेल टावर, एक बेल टावर का एरिया जितना बड़ा है। ये देखो गाइस, ये लोग आते हैं गांव में और ये लोग मार के चले जाते हैं लोगों को। सही नहीं है, रॉयल आर्मी लोग बहुत जुल्म करते हैं इन लोगों पर। देखो गाइस धीरे धीरे ये जगह क्लियर हो गया। ओके, तो जितने बेल टावर हम धीरे धीरे क्लियर करेंगे उतना ही हमें रास्ता दिखेगा आगे। ओके, प्रोपेगेंडा मशीन। ओके मैं अभी जाता हूँ अपने सेफ हाउस में। ओके मैं अभी सेफ हाउस में हूँ। अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं वेपन्स सिग्नेचर वेपन्स ये वाला बंदूक, ये बहुत सही बंदूक है। साइड में क्या रखना है मेरे पास? अच्छा साइड में रख नहीं सकता क्योंकि मेरे पास अभी बंदूक रखने का सिर्फ एक ही जगह है। सो आई कांट टेक इट। ओके चलो गाइस, यहाँ पे स्किल्स देते हैं हमें। ये बेसिकली टाइगर वाले स्किल्स हैं, ये बेसिकली एलिफेंट वाले स्किल है। टाइगर वाले स्किल का मतलब होता है कि आप टाइगर की तरह वार करोगे। अटैकिंग स्किल जितने भी हैं ये सारे हैं, और ये सारे स्किल्स जो है ये सारे अपने इम्यूनिटी के सिस्टम है। हाथी की तरह अपना इम्यूनिटी का सिस्टम है। जैसे आप ये वाला जो स्किल है बहुत अच्छा स्किल है, मैं हाथी पे चढ़ सकता हूँ। ओके ये बहुत ही सेफ जगह है। Ajay, it's Sabal. Good work on the tower. Sabal says I shouldn't be doing this. We're broadcasting on that frequency. I'm teaching you to bring the truth to the people. Ah, the tourist. I'm Amita. This is Badra. Hi. Keep walking. Look, I overreacted back there. We're at war. We keep losing soldiers. The work keeps piling up. Is there anything I can do? I'm not a soldier, but I want to help. Okay. Sure. There's a farm not far from here. Kanan runs it, but she's old and she could use your help with some wild animals. I need you to keep the hides intact, so use this. Badra. What are you... Pick it up. Try again. Very good.
बेसिकली मुझे अभी तीर से मारना पड़ेगा वुल्फ्स को। मीट कनान। बेसिकली ये जो मुझे अमिता और सवाल का जो रिलेशन है वो समझ में नहीं आया। मुझे लगता है सवाल की बीवी है अमिता, क्योंकि अमिता को बोलते हैं गोल्डन पाथ की फर्स्ट लेडी। बेसिकली इन लोगों की बनती नहीं है, इन लोगों के विचार पूरा अलग है। सवाल का कुछ अलग विचार है, अमिता का कुछ अलग ही विचार है। ओके गाइस, यू नो फक। अरे आंटी कहाँ भाग रही हो आप? अरे आंटी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। Amita sent me over. She said you might have some kind of wild animal problem. Hey, Amita, I have no idea what I'm supposed to do here. Wolves are a common nuisance for Kanan Farm. She's killed off a number of them, but this year they're especially aggressive, and I'm worried about her. There's a den nearby. Clear it out, huh? I think Kanan has supplies stockpiled somewhere on her farm that you can use. And Ajay, skin your kills. We can always use the pelts. बेसिकली क्या है गाइज, मैंने आप लोगों को बोला था उस दिन कि क्राफ्टिंग के लिए हमें स्किल्स और क्राफ्टिंग के लिए हमें स्किन चाहिए होता है एनिमल्स के। सो बेसिकली ये भी उसका ही एक प्रोमो है कि हमें जाना है रीच द वेंटेज पॉइंट एंड टिबेटियन उल्फ स्किन। बेसिकली हमें यहाँ पे उल्फ्स को मारने हैं तीर से और उनके स्किन्स लेने हैं, और उनके स्किन से हमें मुझे एक वेपन रखने का जगह भी मिलेगा। सामने एक उल्फ है। बेसिकली ये जो आंटी है, इनको ये उल्फ लोग बहुत तंग करते हैं। इनके जितने भी जानवर हैं इनके पास, सारे को वो उल्फ मार रहे हैं। आजा, मर जा। बेसिकली क्यों इनको स्किन बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है। मुझे लगता है इनके गुर्दा या लीवर या कुछ या हार्ट लेना पड़ता है। ओके, बहुत सारे उल्फ्स हैं यहाँ पे। मैं कैमरा से देखता हूँ, बहुत फॉग भी है, दिख नहीं रहा है मुझे कुछ भी। हाँ दिखा, एक यहाँ पे एक होता है। शिट, ये दिखा दिखा, दो दिखा, फॉग की वजह से नहीं दिख रहा है। ओके चलो मारते हैं इन लोग। शॉर्टकट है पानी, उधर रास्ते से पूरा घूम के आना पड़ता है। यहाँ पे एक उल्फ डेन है पूरा। तो 10 ही रखने का जगह है। अरे मूत रहा है। लगा 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 लगा, आजा आजा तू भी लगा। अरे अंदर चला गया, बाहर आएगा। मेरे पास गन वन कुछ है नहीं, और आसपास भी उल्फ है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा। साइड में उल्फ रहता है इधर। ओके चलो खत्म कर दें इनको। खत्म। मुझे वहां पे अटेंड करना पड़ेगा। सामने मर 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 दिया। मुझे स्किन चाहिए। मरा नहीं है, मरा नहीं है, मरा नहीं है, मरा नहीं है। आसपास में मर।
बेटा भाग गया था। अभी क्या है, मैं क्राफ्टिंग कर सकता हूँ, मेरा वेपन होल्स्टर बढ़ गया है। ओके चलो मैं और एक गन रख सकता हूँ। अभी इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मलायन तपीर की स्किन चाहिए, वो भी 3। Badra, how are you? Good. I brought you these pelts. I thought maybe you could use them. It's a good Ajay. But you keep them. She has enough for her Tanka paintings. I'm sorry, Tanka what? This one is about the life of a guru. This one is about the demon Yalung. This one is about the goddess Kira. And that one is about Badra. The next Tarun Matara. Tarun Matara is a living goddess, if you believe Sabal. It's no life for a child, being treated as an object, thing. Thanks for your help. Later, I'll show you how to put those to good use. बेसिकली धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगा कि इन लोगों का जो दोनों का जो मेंटेलिटी है बहुत ही अलग है। Go see Longinus. He's a friend to the Golden Path and he'll be grateful you helped us. Longinus, you said? Yes. He's a weapons dealer and a priest, if you can believe that. Longinus is a little crazy, but if you want guns, he's the man you should see. I'll update your map. हाँ, यहाँ पे एक मिशन मिला है Longinus का, एल बोल के। ओके चलो ये मिशन भी कर लेते हैं। आज का वीडियो उतना बड़ा नहीं करूँगा मैं, ये मिशन छोटे छोटे ही है। किधर गया किधर गया किधर गया, ये जो बंदा है ये चलता फिरता मार्केट है, मैं इनसे इससे ले सकता हूँ चीज़ें। मुझे ये वाला तो नहीं मिलेगा अभी, ये बहुत काम का है। अभी यही रखता हूँ, कुछ तो रखना है। साइड आर्म्स बेसिकली हम लोग गाड़ी में बैठ के हम लोग यूज कर सकते हैं ये सारे। इस अफिशिएटेड गाड़ी में बड़ी बंदूक नहीं चलेगी, तो हमें छोटी छोटी बंदूक पे। ये जो बंदूक है ये बहुत सही बंदूक है, ये बहुत सही बंदूक है। छोटा मोटा मशीन गन है ये, धीरे धीरे हम गन भी सही करेंगे हम लोगों का। एंड ये जो Longinus है, Longinus बेसिकली एक वेपन डीलर है जो गोल्डन पाथ को वेपन सप्लाई करता है। गोल्डन पाथ को वेपन सप्लाई करता है एंड इसके पास सारे वेपन मिलते हैं। गोल्डन पाथ वाले इन लोगों को इनको पैसा देते हैं और इनसे वेपन लेते हैं, और बहुत एडवांस वेपन रहता है इनके पास। तो घर मुझे पता है। बेसिकली मैं ये गेम बहुत बार खेल चुका हूँ, दैट्स व्हाई मेरे को रास्ते बहुत सारे पता है, मैप की जरूरत नहीं पड़ती है कुछ भी रास्ते। ये गेम बहुत ही बड़ा है गाइस, बहुत ही लंबा गेम है, इनका स्टोरी भी बहुत लंबा है। अरे 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 मार दिया, अरे यार आर्मी को मार रहे हो यार, ठीक से गाड़ी चलाओ, ट्रैफिक को फॉलो नहीं करता।
बेसिकली ये गेम इतना बड़ा है कि इनका स्टोरी इतना बड़ा है कि ये आसानी से ख़त्म होने वाला गेम है नहीं। ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने निशाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेलकम, आई एम लॉन्जिनस। एंड यू, यू आर एजे। वेलकम टू माय चर्च, अवे फ्रॉम चर्च। इट सेल्स गन्स? ऑफ कोर्स। फॉर द मीक शैल इनहेरिट द अर्थ माय फ्रेंड, ऑल दे नीड आर सम गुड गन्स। रेवलेशन 5:5, इट इज द मोस्ट invigorating weed. And one of the elders saith unto me, weep not, behold the lion of the tribe of Judah, the root of David has prevailed to open the book and loose the seven seals thereof. It is our savior. It is our savior returned to us as a lion, a warrior. So I started thinking to myself, when the son of God is reborn, what gun would he use? When Christ returns to break the seven seals and bring about the rapture, he returns as a lion, yes? A lion needs teeth. What gun would Jesus choose? Deuteronomy 32:47? For there are no empty words for you, but your very life. Or maybe Revelations 19:11. The discretion of a man deferreth his anger. I don't know what you're talking about. A soldier knows. A soldier always knows. For we have seen the rapture and survived it. You need guns to do righteous work, AJ. For every gun is a Bible. For every bullet, a sermon. And for every radio tower that you free from pagans' lies, I will give you something. A reward. It is the will of God. Here. This is for the first one. Manaport is under attack! We need fighters here Sabah, now! Sabah, what's happening? We're under attack! Stay away! Oh, shit! Go forth into all the world and proclaim the gospel to the whole of creation. बेसिकली गाइस मेरे पास टाइम नहीं है, 6 मिनट के अंदर बनापुर पहुंचना है। पेगन को पता चल गया है कि मैं बनापुर में हूँ, तो वो बनापुर को अटैक करवा दिया है। अब बनापुर में बेसिकली ज़्यादातर बनापुर में अरे यार Royal Army आ गए हैं चारों तरफ। I wish you could remember what it was like back then, Audrey. Your mother and I, with you on her hip. Oh, those were the days. She was never happier than she was back then, and I should say the same for myself. We had such plans, not just for our little family, but for Kirat. It wasn't always like this. I long for those days, but then it's too late. I tried, I really, really did, but this place is ruined. Oh, guys, right, that. Try not to let them drag you down, Audrey. Ishwari didn't send you back here for that. पेगन ने अटैक करवा दिया है क्योंकि पेगन को पता चल गया कि मैं इन लोगों का साथ दूंगा यहाँ पे, तो वो अभी मुझे बहकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे इन लोगों को बचाना पड़ेगा। ओह शिट शिट। How can I help? Damn it! Keep your head down and save whoever you can. I'm not far. I'll be there soon, but help. Oh shit. Helicopter, sab leke aa rahe hain. Help! Help! Help!
ख्याल रहे तो। ओह शिट 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 शिट, रनिंग रीलोड स्किल नहीं है अभी मेरे पास। रीलोड करता रहे, मैं तेरे को मार दूंगा। ये हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर आ रहा है, रीइंफोर्समेंट लेके आ रहा है हेलीकॉप्टर, मुझे मारना पड़ेगा इन लोगों को। डाल दिया गोली डाल दिया। मार दिया हेलीकॉप्टर। भाग 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 भाग, अरे भाग भाग भाग। ओह शिट, बदरा जिस घर में है उस घर में आग लग गई है। अब देख इधर, बदरा को जिस घर में रखा था उन लोगों ने घर में आग लगा दिया इन लोगों ने। आई होप वी आर सेफ नाउ। Yes, we are safe now. The people need to see her. It'll comfort them. She's just a child, Sabal, and she's terrified. I'll take her home, and then we'll worry about the people, okay? Thank you. You're okay. This is what we get for rescuing Ajay. We hit Paul's house, he slaughters a village. This isn't on Ajay, it's on me. We can't worry about that now. They took the outpost, and they have hostages. Fine. The outpost first. Without it, we're cut off from the others. बेसिकली हमारे पास एक आउटपोस्ट था, इन लोगों ने वो भी ले लिया और बनापुर में अटैक कर दिया कि हम लोग इधर बिजी रह जाए और वो लोग आउटपोस्ट को आराम से ले ले। सो ये अटैक हुआ है सारे। सो बेसिकली लुक एट दिस ब्रदर, वी नीड टू टॉक। सबाल, व्हाट इज इट? आई एम नीडेड इन बनापुर एंड अमीटो इज फोकस्ड ऑन द आउटपोस्ट, सो इट्स अप टू यू टू हेल्प विद द हॉस्टेजेस। I know it's a lot to ask, but they must be rescued before we take back the outpost. But Amita said... The outpost is important, but our top priority should be the lives of those hostages. The people of Kirat depend on the Golden Path for protection. We cannot let them down. Rescue the hostages, brother. चलो, और एक मिशन दे दिया, लेकिन आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करेंगे एंड हम लोग शिट मैन, ये बंदा मर गया। चलो देखते क्या मिलता है इसके पास। 100 रुपया। लुक एट दिस, लुक एट व्हाट बेगिन मिन हैज गोल्डन पास नीड्स टू किल। ओह शिट, तो ओके गाइस, आज बस इतना ही। धीरे धीरे हम लोग इस गेम के स्टोरी को रिवील करेंगे। बहुत सुंदर जगह है यार ये, बहुत ही सुंदर ये गेम को बनाया है कंपनी ने, यूबीसॉफ्ट ने। वेरी नाइस गेम, सारे खेत चला दिया है इन लोगों ने। चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। फिर आते हैं हम लोग लेके नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड स्टे सेफ, स्टे होम।